डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनसीईआरटी का ये मैथ है क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 7.3। तो इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं इसको आपको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करके देता जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें क्या कह रहा है। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। रमेश के पास 20 पेंसिल है, इसके पास 50 पेंसिल है और जमाल के पास 80 पेंसिल है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद रमेश यूज्ड अब 10 पेंसिल्स। तो रमेश जो है 10 पेंसिल्स यूज कर लिया 4 महीने में और सीलू 25 पेंसिल्स यूज कर ली और जमाल 40 पेंसिल्स यूज कर लिया। उन लोग के पास जितना था उसमें से व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। तो उन लोगों ने जो यूज किया उसको फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद बतलाना है चेक इफ ईच हैज़ यूज अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हीज पेंसिल्स। ये चेक करना है कि उन लोगों ने क्या जो फ्रैक्शन खर्च किया और उसका जो फ्रैक्शन बना उसका फ्रैक्शन क्या सबका इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिए और सबसे पहले रमेश कितना यूज किया, ठीक है। तो रमेश यूज 10 पेंसिल्स, यूज्ड 10 पेंसिल्स ऑफ 20 में से वो 10 पेंसिल यूज किया तो कितना हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया 10/20। तो इसको अगर हम काट देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2, इसका फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद सीलू यूज्ड 25 पेंसिल्स ऑफ 50, 50 पेंसिल में से वो 25 पेंसिल यूज कर लेती है। 25/50, यहाँ पे 25 से 50 कट जाएगा तो इसको काट देते हैं। 25 × 2 = 50, 2 बार में। इसका मतलब है कि इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो आ जाएगा रिड्यूस फ्रैक्शन 1/2। इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2। अब जमाल, तो जमाल यूज्ड 40 पेंसिल्स ऑफ 80 में से वो 40 यूज कर लेता है। तो मतलब है कि 40/80, तो 40 × 2 = 80 होता है। इसको काट देते हैं, 2 बार में कट गया तो इसका फ्रैक्शन क्या आया 1/2। तो तीनों का फ्रैक्शन जो है इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, यस ये पूछ रहा है तो एस लिखते हैं इसमें, यस दे यूज्ड। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा यस दे यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन, ये आंसर हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.3 का 9 नंबर क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर फॉर इच। सबसे पहले इसको पता करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका क्या है और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 और लिखना है। तो इसको जो है हम रिड्यूस करेंगे, काटेंगे तो पता चल जाएगा इसका कौन सा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैच करेगा और फिर उसमें 2 और लिखना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अब इसको जो है एक एक करके काटना होगा, इसको रफ करना होगा। हम लोग इधर रफ कर लेते हैं और पता करेंगे कि कौन किसके साथ मैच करेगा। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है 250 और 400। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 को काट देंगे, ठीक है। अब ये जो है बन गया 25 और 40, तो 5 का टेबल से कटेगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40, तो कितना आ गया 5/8। किसके साथ मैच कर रहा है, 5/8 डी नंबर। तो यहाँ पे ये इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर मैच किया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद इसको हम चेक करेंगे 180 और दिया हुआ है 200। तो सबसे पहले 0 को काट देते हैं, अब हो गया 18 और 20। तो ये किससे कटेगा, 2 का टेबल से कटेगा, 2 9 = 18 और 2 10 = 20।
और लगता नहीं कि कटने वाला है, 9/10 हो रहा है, ठीक है, 9/10, तो 9/10 कहीं है, यहाँ पे है, तो 2 नंबर वाला जो है ई नंबर पे जाके मैच करेगा, तो यहाँ पे हम ई लिख देते हैं, ये हो गया, इसको मिटाते हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है 660 और 990, सबसे पहले ये 0 काटेंगे। अब यहाँ पे किससे, 11 का टेबल से दोनों कटेगा, 11 का टेबल से 6 बार में ये कटेगा और 11 का टेबल से ये 9 बार में कटेगा, और भी कटेगा, ये 3 के टेबल से कट सकता है, तो 3 2 6 हो गया और 3 3 9 हो गया, कितना आया 2/3, तो 2/3 कहाँ है, 2/3 यहाँ है और कहीं नहीं है, 2/3, इसका मतलब है कि इसके ये मैच करेगा ए के साथ, ए। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं 4 नंबर में, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 180 और 360, ये कट गया, ये कट गया, और 9 का टेबल में 9 2 18 और 9 4 36 होता है, तो 9 से काटते हैं, 9 2 18 और 9 4 36, अभी भी ये कट रहा है, तो 2 2 4, मतलब ऊपर में 1 बच गया, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 किसके साथ मैच कर रहा है, कहाँ है 1/2, सी नंबर में है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी। अब एक लास्ट बच गया, तो ये किसके साथ बचा, ए बी नहीं है, सी डी ई, मतलब बी नहीं है, ये यही आएगा, हम लोग बना लेते हैं फिर भी, तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं 220/550, ठीक है, ये 0 कट गया। अब 11 का टेबल से 11 2 22 और 11 5 55, कितना आ गया 2/5, 2/5 कहाँ है, यहाँ बी नंबर में, इसका मतलब है कि ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है कि इसका 2-2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, यहाँ पे इसको मैच करने के बाद सभी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2-2 और लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि इसका और 2-2 लिख सकते हैं, जैसे 2 2 4 हो गया और 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 2 3 6 और 3 3 9, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं और यहाँ 5 2 10 और यहाँ पे फिर 6 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 5 2 10 हो गया, 8 2 16 और यहाँ पे 5 3 15 और 8 3 24, यहाँ पे 9 2 18 हो गया और यहाँ 20 और यहाँ पे हो गया 9 3 27 और यहाँ पे हो गया 30, ये हो गया। इस तरह से 2-2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका हम लोग लिख सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस तरह का और भी वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है, अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो आता है, तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।